पुराणों के अनुसार प्राचीन समय में हिरण्यकश्यप नामक एक असुर था जो भगवान विष्णु का कट्टर दुश्मन माना जाता था। लेकिन उसका खुद का पुत्र प्रह्लाद विष्णु जी का सबसे बड़ा भक्त था। उसकी भक्ति को देखकर हिरण्यकश्यप बहुत कुपित रहा करता था। वह चाहता था कि प्रह्लाद उसकी शक्ति को माने और विष्णु की पूजा न करके उसकी पूजा करे। प्रह्लाद ने ऐसा करने से मना कर दिया। तब हिरण्यकश्यप ने उसे नाना प्रकार से मार डालने की योजना बनाने लगा। श्री विष्णु कृपा से प्रह्लाद हर बार बच जाता था। तब हिरण्यकश्यप के क्रोध का अंत न रहा। उसने अपनी बहन होलिका से प्रह्लाद को जलाकर मार डालने की प्रार्थना करने लगा। उसकी बहन होलिका को यह आशीर्वाद था कि वह अग्नि में नहीं जल सकती, अतः उसे अपनी बहन को मनाया कि प्रह्लाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाए। अग्नि उसे छू भी न सकेगी, लेकिन प्रह्लाद उस अग्नि में भस्म हो जाएगा। बहन ने अपने भाई की बात मान ली और एक नियत समय पर वह प्रह्लाद को गोद में लेकर बैठी। उसने अग्नि का आह्वान किया। आश्चर्यजनक रूप से होलिका उस अग्नि में बुरी तरह झुलस गई, जबकि भक्त प्रह्लाद साफ साफ बच गया। इस प्रकार बुराई पर अच्छाई की विजय के रूप में देश भर में होली मनाई जाती है। कहते हैं कि हिरण्यकश्यप के जीते जी ही बुराई का कैसे अंत होता है। उसने देखा कि होलिका के रूप में बुराई जल गई और अच्छाई के रूप में भक्त प्रह्लाद बच गए। उसी दिन से होली को जलाने और भक्त प्रह्लाद के बचने की खुशी में अगले दिन रंग गुलाल लगाए जाने की शुरुआत हो गई। इसलिए गुलाल लगाने से पहले होली का रिवाज बन चुका है। गुलाल लगाना जीवन में उत्साह का प्रतीक माना जाता है। सभी में भाईचारा स्थापित होता है। विभिन्न प्रकार के पकवान बनते हैं जो आपसी प्रेम के कारण एक दूसरे को खिलाए जाते हैं। ब्रज की होली, बरसाने की होली सबसे प्रसिद्ध होली है। राजस्थान में भी उदयपुर में शाही ठाट बाट से मनाई जाती है। कृपया इस चैनल को सब